इमिग्रेशन वगैरह कर कर अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अभी जा रहे हैं प्लेन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। हर सीट पे अपने को मिला एक पीपी किट। यहाँ पे पीपी किट, जो मिडल में जो लोग बैठे हैं उनको पीपी किट मिला है और ये इसको पहनना है। जो मिडल की सीट पे बैठेगा उसको ये पीपी किट पहनना है। तो मैं मिडल की सीट में हूँ और मेरे को पहनना पड़ेगा पीपी किट। हम लोग एयर इंडिया के फ्लाइट में आके बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। खड़े में ले लो, आधा ही आया। चलेगी और आपको नजदीकी निकास तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। ऑक्सीजन मास्क। सैनिटाइजर के बाद में हैंड सैनिटाइजर करेंगे, उसके बाद में देखेंगे खाने में क्या क्या है। उसमें है एक ब्रेड, स्पून, स्वीट्स, वाटर बॉटल, साथ में है वन केचप, छोटा सा पिज्जा भी है।
तो दोस्तों फ्लाइट में आपको एक दो फॉर्म मिलेंगे, वो फॉर्म में पूरी आपकी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर, फ्लाइट नंबर और जो भी आपकी एज वगैरह, उसमें जितनी भी डिटेल्स, हेल्थ इशू जो भी है, उसमें आपको पूरा ये फिलअप करना है फॉर्म में, और ये फिल करके आपके पास में रखना होगा। ये फॉर्म अभी हम लोग को मिला है, अभी इसको हम फिल करके रिटर्न जमा करवाएंगे। एक फॉर्म जो हमको दिया गया है यहाँ पर, वो फॉर्म फिलअप करना है, उसके अंदर डिटेल्स ये डालनी है कि हमारा फ्लाइट नंबर और मोबाइल नंबर और हमारा पासपोर्ट नंबर, उसके बाद में हम लोग यानी कि यहाँ से कहीं पे ट्रैवल्स कर रहे हैं दूसरे फ्लाइट में, या तो हम लोग कहीं पर सपोज़ महाराष्ट्र में ही अगर हम लोग एयरपोर्ट के बाहर हमारा कोई ड्राइवर या कोई गाड़ी हम लोग ने बुकिंग की हुई है, उसका ड्राइवर का नंबर और उसका नाम ड्राइवर का और व्हीकल का जो गाड़ी का नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा उसके अंदर, और वहाँ पे अथॉरिटी के लिए साइन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास में जैसे आप किसी की डेथ हो चुकी है उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आप अगर बीमार है, मरीज है, उसके लिए आप लोग अगर ट्रैवल्स कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट, उसमें डेथ सर्टिफिकेट या तो आपको कुछ बीमारी का इशू है उसका सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा, फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें ये भी दिखाएगा आप अगर घर पे फिर क्वारंटाइन वगैरह होंगे तो स्पेशली आपको घर पे स्ट्रिक्टली रुकना पड़ेगा, ऐसा अथॉरिटी बोल के वो लोग एक साइन लेंगे 14 डेज़ के लिए। आपको पूरे रूल हेल्थ इशू के जो उतने भी है वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, उस अथॉरिटी पे वो साइन लेंगे इसके लिए। अरगान भी उसका फॉर्म भर रहा है अभी। ये लगेज कलेक्ट करने का एरिया है।